जय हिंद साथियों। आज हमारे बीच में दो बंदे हैं जिन्होंने बीएसएफ का फिजिकल क्वालिफाई किया है और सीआईएसएफ का फिजिकल क्वालिफाई किया है। तो आज हम जानेंगे इनका एक्सपीरियंस वहां कैसा रहा और यहां पे एकेडमी में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जिससे और भी जो स्टूडेंट हमारे साथ हैं और जो जुड़ना चाहते हैं उनको इनके एक्सपीरियंस के बारे में पता चलेगा। तो उनके फिजिकल में और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक अच्छा मार्गदर्शन और एक अच्छी गाइडलाइंस मिलेगी। तो हमारे हम जो पहले जो बीएसएफ का सीआईएसएफ का फिजिकल क्वालिफाई करके आए सोमेश सेंगर, इन्होंने अभी लास्ट मंथ बीएसएफ का फिजिकल क्वालिफाई किया था एक्सीलेंट में, अभी इनने सीआईएसएफ का भी क्वालिफाई किया है। तो अब हम इनका जानेंगे एक्सपीरियंस। सोमेश, अब हम आप बताएंगे अपना, पहले तो यहाँ का एक्सपीरियंस बताएंगे कि यहाँ आपने जो प्रिपरेशन आपकी चल रही हो कैसे चल रही है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया आपने, फिर इस इम्प्रूवमेंट के बाद आपने बीएसएफ का भी क्वालिफाई किया था और आपने सीआईएसएफ में भी एक्सीलेंट क्वालिफाई किया है। तो आप क्रम वाइज अपना एक्सपीरियंस यहाँ का शेयर करिए और वहाँ का भी शेयर करिए। हाँ जय हिंद सर। हमारे यहाँ सर आपने बहुत अच्छी तैयारी की सर, हमें लगभग आपसे 6 महीने जुड़ते हो गए आपकी अकेडमी में सर। पहले हमारी रनिंग 2 या 3 राउंड की आती यहाँ पर सर, जब से आपसे जुड़ी सर, आपने लॉन्ग रनिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह सर प्रॉपर करवाई आपने मेंटली और गाइडलाइंस दी सर, उसके हिसाब से सर हमारी रनिंग की इम्प्रूव पाया, बहुत अच्छी रनिंग की सर हमने, आपने बहुत अच्छा करवाया सर। वेरी गुड, एक बार तालियां। जो सीआईएसएफ का आपका टेस्ट था उसका थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जो जिससे कि जो बच्चे और भी सीआईएसएफ का फिजिकल देने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलेगा। सीआईएसएफ वहाँ पर 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 6 बजे पहले रनिंग होती है, रनिंग के बाद फिर चेस्ट हाइट वेट होता है। हाँ, आपका रनिंग में टाइमिंग क्या था? रनिंग में टाइम थी 17 मिनट 40 सेकंड, 17 मिनट 46 सेकंड का टाइमिंग था। लगभग एक्सीलेंट टाइमिंग होता है ये 5 किलोमीटर का, तो इन्होंने एक्सीलेंट क्वालिफाई किया है सीआईएसएफ में। अब इनका आपका एग्जाम कब है सर? एग्जाम की अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इनके रिटर्न एग्जाम होंगे। तो होपफुली हम सभी लोग प्रे करेंगे कि इनका बीएसएफ और सीआईएसएफ दोनों में किसी ना किसी में इनका क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी अग्निवीर में भी अभी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरे ये बेस्ट कैंडिडेट्स में से एक हैं, तो मुझे लगता है कि ये अग्निवीर को भी क्वालिफाई करेंगे। अब अग्निवीर के लिए कुछ ये बताना चाहते हैं, चलिए। जो भी बंदे अग्निवीर के लिए जुड़ना चाहते हैं, जो सागर का है, सागर तहसील का है, सागर संभाग का है, वो आके सर की अकेडमी में जुड़े। मुझे 6 महीने हो गए, मैंने 2 टेस्ट क्वालिफाई किए हैं बीएसएफ और सीआईएसएफ का। मुझे अनुभव है सर, कितनी अच्छी तैयारी करवाते हैं। और जो भी बंदे अभी 1 महीना बचा है तैयारी के लिए, जो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वो सर की अकेडमी में जुड़े और सर की गाइडलाइंस में रहे और अच्छी से तैयारी करें। एक बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। अभी हमारे बीच में बीएसएफ का एक क्वालिफाई करके आए हैं, क्या वो मेघराज सेंगर, तो इन्होंने अभी लेटेस्ट ही बीएसएफ का फिजिकल क्वालिफाई किया है और ये भी हमारे साथ लगभग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो हम इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ मेघराज सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इतना योग्य समझा इंटरव्यू के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आपका सर। सबसे पहले मैं आपकी अकेडमी में सर 3 या 4 महीने मुझे आपकी ज्वाइन करते हुए अकेडमी को सर, मैंने पहले अभी जब मैं ज्वाइन किया था फर्स्ट ऑफ ऑल, तब मेरे सर 3 या 2 राउंड आते थे, मैं थक जाता था, गिर जाता था, उल्टी चक्के सब एक्टिविटीज होती थी सर, जो आपकी सर गाइडेंस में मैं क्या करता रहा। फिर 3 महीने के अंदर सर मैं कुछ समय ऐसे आने लगा कि 15-20 राउंड में राउंड लगाने लगा, मुझे खुद पर कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जैसे कि अभी मैं बीएसएफ का फिजिकल देने इंदौर गया था, तो मैंने 5 किलोमीटर सर एक्सीलेंट तो नहीं मारा, लेकिन 18, 18.5, 19 मिनट में मैंने क्वालिफाई की थी रनिंग। वेरी गुड, एक बार तालियां इनके लिए। आपका वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं सर सुबह 1 दिन पहले पहुंच गया था इंदौर सर, तो और मैं 6 बजे प्रेजेंटिंग टाइम था मुझे सुबह वाला, तो मैं सर 5:30 बजे वहाँ पे गेट के सामने आ गया था, और 6 बजे हमारी प्री रिकॉर्डिंग टाइम होने लगी थी और डॉक्यूमेंट सारे मैंने कंप्लीट करके रख लिए थे, ऐसे कि आधार कार्ड हो गया, 10वीं की अंकसूची हो गई, ये मैंने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रख लिए थे और सीधे मैं एंट्री हो गई थी सर। तो इनका कहने का मतलब है सवेरे से इनने एंट्री हुई, इन्होंने पहले अपना टेस्ट निकाला फिजिकल, उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अब लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इनका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद जो इनकी मेरिट बनेगी उस बेस पे। अगर जो भी बंदे अपने फिजिकल को अच्छा प्रिपेयर करते हैं और अच्छा फिजिकल का जो मार्किंग होता है वो अगर 100 आउट ऑफ 100 देंगे, तो इनका टेस्ट में जो नंबर आएंगे उसके साथ
मैरिज मैनेज किया जाएगा और दोनों बेस पे मेरिट बनेगी। तो अगर आपका फिजिकल में अगर 100 out of 100 है और आपके रिटेन में थोड़ा कम भी हो जाएंगे तो आपका लेवल है अप रहेगा, क्योंकि फिजिकल का ये मार्किंग होती है कि फिजिकल में हमेशा आपको 100 out of 100 ही लेना है। अगर 100 से कम हो जाएगा तो आपका रिटेन में मेरिट बहुत डिस्टर्ब करता है। तो सभी को अच्छे से तैयारी करना है अपनी फिजिकल, और ये हमारे अग्निवीर की भी तैयारी कर रहे हैं तो होपफुली कि उसमें भी ये क्वालिफाई होगा, क्योंकि जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर प्रेरणा है, जिसके अंदर डेडिकेशन टुवर्ड्स नेशन, अपने प्रति डेडिकेशन, ग्राउंड के प्रति डेडिकेशन है, वो हमेशा अग्निवीर को वही क्वालिफाई करेगा। जो यहाँ पे टाइम पास करेगा वो अग्निवीर के टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आर्मी का जो फिजिकल टेस्ट होता है वो बहुत हार्ड होता है। वो अभी लड़के बच्चे समझते नहीं है कि उसमें कैसा प्रिपरेशन, क्या टाइमिंग चाहिए, उसका एंडोरेंस, हर चीज़ बहुत हार्ड होता है। तो सभी बच्चे जो जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट भर्ती होने वाली है, मेरा सभी से यही कहना है कि अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू हार्ड करें, एक्सेस करें, जिससे आपको आपके शरीर में अच्छी एंडोरेंस हो, अच्छी डाइट लें। बिना डाइट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर डाइट पे ही चलता है। जो भी आप कैलोरी बर्न करते हैं उसके लिए आपको डाइट की ज़रूरत है आपके शरीर के अंदर, तभी आप उतनी एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो एक बार फिर से सभी दोनों बंदों का एक बार स्वागत करेंगे तालियों के साथ, और हम आपसे एक बार, सभी बंदे अभी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हमारे एकेडमी के क्वालिफाई करें, जिससे सभी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। एक बार हम भारत माता की जय बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की जय, की जय, की जय, जय हिंद।